नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है कि कौन क्या कहेगा। तो ये कौन में कौन है? कौन में हमारे आसपास के जो विचित्र लोग रहते हैं, कौन में वही है। आप कुछ भी अच्छा काम, कुछ भी मेहनत का काम करेंगे तो वो कौन वाले लोग हैं वो आपको नीचे गिरा देंगे, लाके नीचे गिराना चाहेंगे। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कौन कौन के चक्कर में ना पड़े, अपने चक्कर में पड़े। क्योंकि जैसे ग्रेविटी है, आप ऊपर से नीचे आते हैं, तो ये जो पब्लिक है ना, ये कौन है? ग्रेविटी है, आपको खींचेगी अपनी ओर। कुछ भी आप अलग करना चाहेंगे तो आपको खींचेगी, डीमोटिवेट करेगी। चाहे आप पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे आप यूट्यूबर हो, चाहे आप कोई भी काम बिजनेस करते हो, ये कौन आपको गिराएंगे? तो ये कौन के ऊपर आज वीडियो में बना रहा हूँ। ये कौन होते क्यों हैं, क्यों कौन नीचे गिराते हैं? इनके पास ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा होती है, इसलिए क्योंकि हमारे आपके अंदर कौन का डर बसा है। कौन क्या कहेगा, कौन क्या बोलेगा? अरे कौन क्या कहेगा, कौन क्या बोलेगा? अगर यही कौन नहीं बोलेंगे, नहीं कुछ कहेंगे, तो फिर हम मुर्दे हैं ना। मुर्दे जो होते हैं उनको पब्लिक नहीं बोलती है, जिंदा इंसान को ही तो पब्लिक बोलती है, मरे हुए को कोई नहीं बोलता है। मरे हुए को ये कौन भी कोई नहीं बोलता है कि आप क्या, क्यों, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। आप ये काम मत कीजिए। जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके आसपास वाले लोग कहेंगे, अच्छा तुम बिजनेस करोगे, तुम तो यार बड़ा राजा के खानदान से जो बिजनेस करोगे। ये लोग डीमोटिवेट करते हैं, मुझे भी करते हैं, करते आए, हो सकता है आप लोग भी इसका शिकार हुए हो। जैसे मैं सपोज वीडियो बना रहा हूँ, बहुत लोग को ना पसंद आएगा। अब जिसको नहीं पसंद आएगा वो कौन में है ना, कौन में है? उनको नहीं पसंद आएगा, वो कौन में है? उनको ये सब चीज़ें नहीं पसंद आएंगी। देखिए, दूसरों की ग्रोथ से जलना पब्लिक का काम है। जलने का मतलब ये नहीं है, उनको ये लगता है कि हमारे बीच का बंदा आगे कैसे निकल गया। अब जैसे दो दोस्त हैं, सपोज दो दोस्त बहुत क्लोज गहरे मित्र हैं, और उसमें से दो मित्र हैं, दोनों किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति उससे थोड़ा सा आगे निकल जाए तो दूसरे के अंदर उसके प्रति थोड़ा बहुत, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, तब ऐसे नहीं होते हैं, थोड़ी बहुत जिसको आप ईर्ष्या बोल लीजिए या जलन बोल लीजिए या आप एक तरफ से कुछ भी बोल सकते हैं, आगे नहीं बोलेंगे तो ये कुछ लोगों को खराब लगेगा। तो ये अधिकतर आ ही जाता है, चाहे हम हो आप हो, हमसे आगे कोई निकल जाता है तो हम फिर उसके प्रति हमारी वो वफादारी, ईमानदारी नहीं रह जाती है। फिर हर एक बात पे हमको ये लगेगा कि ये मतलब मुझे नीचा दिखा रहा है, चाहे वो कोई सही बात भी बोलेगा लेकिन उसके मित्र को लगेगा कि उसको नीचा दिखा रहा है। तो यहीं से दुश्मनी की शुरुआत होती है, यहीं से दोस्त और दुश्मन का रिश्ता ऐसे होता है, वहीं से दोस्त जितनी गहरी दोस्ती रहती है फिर धीरे 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 दुश्मनी की ट्रैक पर चली जाती है। अगर एक दो दोस्त में से एक आगे निकल गया तो एक उससे ईर्ष्या रखेगा और कहीं ना कहीं उसके मन में उसके प्रति खटास बनी रहेगी। खटास का मतलब हम लोग खटास बोलते हैं, खटास का मतलब जैसे ईर्ष्या और जलन भी बोल सकते हैं आप, कि हाँ वो थोड़ा बहुत जलन आ गया हो या थोड़ा बहुत देख के चिढ़ना कि हाँ ये आगे कैसे निकल गया। तो इसी पे बात हम करना चाह रहे हैं। तो जो आगे निकल जाता है रेस से आगे निकल गया, तो जो पीछे वाले होते हैं, रेस के जो पीछे रहते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ऊपर वाला उनको
उनसे भी आगे निकालना चाहता है, इसीलिए उनको पीछे कर दिया। कछुआ खरगोश की कहानी सुने हैं? कछुआ खरगोश की कहानी सुने हैं? बस वही होता है जीवन में, जो जितनी जल्दी आगे जाता है वो आगे ही जाता है, लेकिन जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना, वो एक लेवल पे आ जाता है, एक मुकाम, एक लेवल पे आ जाता है। तो इसे कोई भी हो, जैसे कोई भी यूट्यूबर को ले लीजिए, आप जितनी जल्दी ऊपर जाएंगे, भाई हमारे तो, मेरा तो फेवरेट एक ही यूट्यूबर है, बाकी उसके अलावा हम किसी को नहीं जानते कौन है, उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता, वो है आशीष चंचलानी। तो आप ग्रोथ करके ऊपर जाएंगे, ग्रोथ कर, तो वो ग्रोथ आपकी बनी रहेगी। अगर आप एक पैर सीढ़ी चलेंगे तो एक पैर नीचे भी आ जाएंगे। ये पढ़ाई में भी होता है, ये बिजनेस में भी होता है, ये हर एक फील्ड में होता है। कोई कम, कोई इसको नहीं समझ पाता है, जैसे कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारे दोस्त को गवर्नमेंट जॉब मिल गई है तो अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। अरे परेशान क्यों हो रहे हो, ऊपर वाला तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा सोचा होगा। ऊपर वाला हर आदमी को पांच उंगली देख रहे हैं, इसमें से छोटी है, फिर बड़ी है, इन सबसे बीच वाली बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, लेकिन ये है अंगूठा सबसे छोटा, तो बिना इसके काम हो सकता है? आप इसके कुछ पकड़ लीजिए ऐसे, बिना इसके ये अकेला ही है, अकेला ही पांचों के चारों, सॉरी चारों के बराबर है, चारों उंगली के बराबर ये आपका अकेला अंगूठा है। आप बिना इसके कुछ चीज पकड़ना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन हाँ एक उंगली और एक अंगूठे से आप काफ़ी, एक अंगूठे से ही बात कर रहे हैं, काफ़ी देर पकड़ सकते हैं। तो आप अपने आप को ये समझिए, था अंगूठा जो आधार कार्ड पे लगता है, कहीं भी लगता है अंगूठा, पढ़े लिखे नहीं हो तब पर भी अंगूठा लगता है। तो आप अपने आप को ये समझ सकते हैं, अंगूठा सबसे बड़ी उंगली तो बीच वाली है ना, मगर ताकत किसमें है? इसमें, लेकिन इसको लगता है कि ये छोटा है, इसीलिए इसको लगता है ये बड़ी है। लोगों को देखते नहीं है कि हाँ हाँ छोटा है, बड़ा है, छोटा है, तो ये सब देखते हैं छोटा है, लेकिन छोटा भले है लेकिन इसमें क्षमता और इसकी, इसका काम हर, मतलब इससे ज़्यादा आता है, इसकी क्षमता भी चारों उंगली से ज़्यादा है। तब कि आप कोई चीज़ उठाने की कोशिश कीजिए, उठा लेंगे आप, और इससे उठाने की कोशिश करिएगा, बस मुश्किल से हम कह रहे हैं 5 मिनट के अंदर आप नहीं, उसके बाद आप दर्द होने लगेगी। तो आप अपने आप को यही समझिए अंगूठा, और जो आपसे आगे निकल गया उसको समझिए कि ये फिंगर है, फिंगर आगे निकल गई, ठीक है जाने दो भैया, आप जाओ भीड़ के रेस में, आप भी घोड़ों की तरह दौड़ो, हम तो भाई गधे हैं, गधे की तरह धीरे धीरे, कछुआ और गधे की तरह धीरे धीरे, गधे तो नहीं बोल सकते, कछुआ हैं, धीरे 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 चलेंगे, क्योंकि गधा भी कछुआ भी